हेलो फ्रेंड्स, अगर आप टॉप 10 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेजेस इन बिहार के बारे में सर्च कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर हैं। आज मैं ऐसे 10 कॉलेजेस की लिस्ट लेके आया हूं, जहां से अगर आप स्टडी करते हैं तो वहां से प्लेसमेंट होने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा हैं। तो 10 ऐसे गवर्नमेंट कॉलेजेस की लिस्ट मैं लेके आया हूं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखें, क्योंकि एंड में ना मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ बताने वाला हूं, ऐसा टॉपिक बताने वाला हूं जो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए। काफ़ी सारा इंसेप्शन जो है फैला हुआ है मार्केट में कि यहाँ से इतना प्लेसमेंट होता है, यहाँ से इतना प्लेसमेंट होता है, बट उस बारे में हम वीडियो के एंड में देखते हैं। फिलहाल हम देखते हैं टॉप 10 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेजेस इन बिहार, जिसमें से सबसे पहला कॉलेज आता है न्यू गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, जो 13 है, पटना 13 के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें से आपको ब्रांचेस मिल जाएंगे सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। और कॉन्टैक्ट डिटेल्स और एड्रेस और ऑफिशियल वेबसाइट आपको दिया हुआ है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। सेकेंड नंबर पे है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुजफ्फरपुर, यहाँ पे आपको सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के ब्रांच देखने को मिल जाएगा। यहाँ की भी कॉन्टैक्ट डिटेल, एड्रेस, ऑफिशियल वेबसाइट दिया हुआ है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे आता है दोस्तों गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पटना 7, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिरेमिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग के ब्रांचेस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। यहाँ की भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एड्रेस एंड ऑफिशियल वेबसाइट आपको यहाँ पे दिया हुआ है, आप चेकआउट कर सकते हैं। फोर्थ नंबर पे आता है दोस्तों बुद्धा पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट बोधगया, यहाँ पे आपको सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांचेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ की भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एड्रेस एंड ऑफिशियल वेबसाइट आपको दिया हुआ है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। फिफ्थ नंबर पे है दोस्तों गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक भागलपुर, यहाँ पे आपको सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के ब्रांचेस देखने को मिल जाएंगे। कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एड्रेस एंड वेबसाइट दिया हुआ है, एक बार जाके चेकआउट जरूर करें। सिक्स नंबर पे है दोस्तों गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक छपरा, जहाँ पे आपको सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एड्रेस एंड ऑफिशियल वेबसाइट दिया हुआ है, एक बार जाकर चेकआउट जरूर करें। सेवन्थ नंबर पे है दोस्तों गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक वैशाली, यहाँ पे आपको सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांचेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एड्रेस एंड ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दिया हुआ है, आप जाके चेकआउट जरूर करें। एट नंबर पर है दोस्तों गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अररिया, यहाँ पे आपको सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग देखने को मिल जाता है। यहाँ की कॉन्टैक्ट डिटेल, एड्रेस एंड ऑफिशियल वेबसाइट दिया हुआ है, एक बार जाके चेकआउट जरूर करें। नाइन नंबर पर है दोस्तों गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गया, यहाँ पे आपको सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग को देखने को मिल जाएगा। यहाँ की कॉन्टैक्ट डिटेल, एड्रेस एंड ऑफिशियल वेबसाइट दिया हुआ है, एक बार जाके चेकआउट जरूर करें। एंड लास्ट है दोस्तों 10th नंबर पर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सहरसा, यहाँ पे आपको सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग देखने को मिल जाता है। यहाँ की ऑफिशियल वेबसाइट, एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिया हुआ है, एक बार जाके चेकआउट जरूर करें। दोस्तों मैंने बोला था कि लास्ट में वीडियो के आपको एक चीज़ बताऊंगा जो आपको कहीं भी किसी वीडियो में देखने को नहीं मिलता होगा, और ये इंसेप्शन है वो ये है कि बिहार में जैसे इंडस्ट्रीज हैं नहीं, ठीक है, मैकेनिकल के, सिविल के, जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं ये किसी फील्ड के बिहार में है नहीं, ठीक है। तो सभी कॉलेजेस में जो प्लेसमेंट होता है वो कम होता है, और ये जो मैंने टॉप 10 बताए हैं इसमें से भी सभी कॉलेजेस में लगभग सभी लोगों का प्लेसमेंट नहीं होता है, प्लेसमेंट कम होता है। बट इन कंपेयर टू कि यहाँ इंडस्ट्री नहीं है तो ये कॉलेजेस अगर प्लेसमेंट देते हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो ये करते क्या है, सभी कॉलेजेस में प्लेसमेंट नहीं होता है, वो क्या करते हैं किसी एक दो कॉलेजेस, तीन कॉलेजेस को सेंट्रल मान लेते हैं, उसी कॉलेजेस में बाकी कॉलेजेस के सेलेक्टेड स्टूडेंट्स को ले जाते हैं प्लेसमेंट के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पूरे कॉलेज को दूसरे कॉलेज में लेके चले गए, नहीं, सेलेक्टेड स्टूडेंट्स को लेके जाते हैं, जो एक सेंट्रल जगह बनती है वहाँ से प्लेसमेंट के लिए। और प्लेसमेंट रिकॉर्ड वैसे भी बहुत अच्छा नहीं है बिहार का, लेकिन ये टॉप 10 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए, पढ़ाई अच्छी चाहिए तो यहाँ से आप कर सकते हैं। अगर किसी स्पेसिफिक कॉलेज के बारे में ज़्यादा डिटेल्स जानना हो तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर उस पर रिप्लाई करूँगा, जितना मुझे पता होगा या मैं पता कर पाऊँगा आपको ज़रूर रिप्लाई करके बताऊँगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।